हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज मैं अंडा और टमाटर की भुजिया बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डालते हैं। ये ज़ीरा है, ये एक हरी मिर्च है और ये एक छोटा प्याज है, मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये धनिया पत्ता है, मैंने इसको भी कट कर लिया है। और ये दो टमाटर है मीडियम साइज़ का। और ये एक अंडा है और एक टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों ऑयल डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ज़ीरा डाल देती हूँ। थोड़ा चटकने लगे फिर उसके बाद अब मिर्च डालते हैं। फिर प्याज डाल देते हैं। अब इसको चलाएंगे थोड़ी देर, थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटर डाल देंगे। आंच को मीडियम रखेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। हाफ टी स्पून के लगभग। अब इसको ढककर थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसको खोलकर देखते हैं। ये टमाटर गल गया है, अब इसमें अंडा डालेंगे। आंच को थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, पूरा मिक्स करेंगे चलाते हुए। अब थोड़ा तेज कर देते हैं हल्का। ये हमारा अंडा टमाटर का भुजिया बन रहा है। इस तरह से नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। मैंने टमाटर में ही डाल दिया था, मैं अंडे में नहीं डालूंगी। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है।
अभी अंडा का भुजिया अब तैयार होने वाला है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। तो मेरा अंडा का भुजिया टेस्टी टेस्टी बना है, तैयार है। आप भी बनाइए और खाइए रोटी और पूरी के साथ। और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।